सो दोस्तों, अगर आपके भी पेटीएम अकाउंट में बहुत सारे पेटीएम्स के पॉइंट्स जमा हो चुके हैं और आपको ये पता नहीं है कि उस पेटीएम पॉइंट्स को किस तरह से रिडीम किया जाता है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप उन पेटीएम पॉइंट्स को किस तरह से रिडीम कर सकते हैं, उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, या अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी वगैरह, तो उसके भी वाउचर्स को आप पेटीएम पॉइंट्स में किस तरह से रिडीम करवा सकते हैं। इसमें आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर आप भी इस पेटीएम पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली अपने पेटीएम पॉइंट को बड़ी ही आसानी से रिडीम कर पाएंगे, उसके से बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। सो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है आशीष और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए अब देख लेते हैं कि आप अपने पेटीएम पॉइंट्स को किस तरह से रिडीम करवा सकते हैं। सो दोस्तों, पेटीएम पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए सिंपली आप सभी को अपने पेटीएम को चालू कर लेना है। चालू करने के बाद आप सभी को यहाँ पर इसके प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कैशबैक एंड ऑफर्स का। इसके ऊपर आप सभी को सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स दिखा देगा कि आपके पास अभी कितने पॉइंट्स है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 913 कैशबैक पॉइंट्स है, तो इसे मुझे रिडीम करना है। तो रिडीम करने के लिए सिंपली आप सभी को इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने एक ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर ब्रांड जो है वो आप उसको भी रिडीम करवा सकते हैं। इसे हमें कन्वर्ट करना है पेटीएम बैलेंस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे स्क्रोल डाउन करेंगे यहाँ पर आप सभी के सामने कन्वर्ट पॉइंट्स टू पेटीएम बैलेंस इस तरह का एक ऑप्शन आ चुका है। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है 1100 पॉइंट्स मतलब 10 रुपये, 5000 पॉइंट्स मतलब 50 रुपये, और इसी तरह से आप देखने जाएंगे तो 10000 पॉइंट के 100 रुपये होते हैं और 25000 पॉइंट के 250 रुपीज़ के आपको यहाँ पर कन्वर्ट होने के चांसेस है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सभी को सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को टर्म्स एंड कंडीशन भी बता रहा है कि आपके पॉइंट्स किस तरह से रिडीम किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेल 1100 पॉइंट्स, तो इसके ऊपर आप सभी को सिंपली क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी मेरे पास उतने पॉइंट्स इनफ नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू नीड 187 मोर पॉइंट्स टू रिडीम। तो यहाँ पर जैसे ही आप सभी क्लिक करेंगे, अगर आप सभी के अकाउंट में उतने एडिशनल पॉइंट्स होंगे 1000-2000 के ऊपर होंगे तो आप बड़े ही आसानी से उसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पॉइंट्स में बहुत सारे जैसे लोगों के पास होते हैं लाखों रुपए के पॉइंट्स हो जाते हैं तो उसे भी सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करके 250 वाले वाउचर को रिडीम करवा सकते हो और बड़े ही आसानी से उसे पेटीएम बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप सभी को पेटीएम बैलेंस में उसे कन्वर्ट नहीं करना है तो आप सभी यहाँ पर नीचे भी आ सकते हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ई गिफ्ट वाउचर भी मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको 50 रुपीज़ का ई गिफ्ट वाउचर चाहिए आप फ्लिपकार्ट यूज़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को फ्लिपकार्ट वाउचर के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपके लिए 5000 पॉइंट्स रहना जरूरी है और इसको आप 365 तक वैलिड होता है। 365 मतलब एक साल के लिए वैलिड होता है। और जैसे ही आप सभी को वाउचर मिल जाता है तो वाउचर पे एक पिन आएगी आप सभी को, उस पिन को आप सभी को सिंपली अपने फ्लिपकार्ट के वॉलेट में डालना होता है। वहाँ से आप बड़ी ही आसानी से फ्लिपकार्ट के इस वाउचर को भी रिडीम करवा सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि पेटीएम के जो भी पॉइंट्स होता है उसे रिडीम करना बहुत ही आसान है, तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो देखने के बाद आप सभी भी अपने पेटीएम के वाउचर को, पेटीएम के पॉइंट्स को बड़ी ही आसानी से यूज़ करना सीख चुके होंगे। अगर फिर भी आप सभी को इससे रिलेटेड कोई डाउट्स होगा तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका भी जवाब आप सभी को दे दूंगा। और अगर से वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जो आप सभी के लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू को ऐड करती है।